हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, आदाब। जो हम आज वीडियो लेकर आए हैं वो आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को समझ आए, वो पैनिक ना हो कि कोई नई बीमारी आ गई है कि क्या चल रहा है। तो जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो म्यूकोमाइकोसिस है। म्यूकोमाइकोसिस, जिसे कि हम काली फफूंद कहते हैं, ये राइजोपस स्पीसीज की होती है। इसके बारे में हर कोई जानता है, हर एक ने ज़िंदगी में कभी ना कभी इसे देखा होगा, मगर लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि ये फफूंद अपने शरीर में कैसे जाकर घातक स्थित हो रही है और ये कैसे आपके शरीर में नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ये क्या होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं और इलाज की कौन कौन सी पद्धतियां इसमें सफल हैं। तो सबसे पहले तो जो म्यूकोमाइकोसिस, जिसे हम काली फफूंद कहते हैं, ये हर जगह होती है दुनिया में, हर घर में पाई जाती है। अगर आप अपने घर में भी अगर कोई पुरानी सब्जी पड़ी हो, कोई टमाटर पड़ा हो, कोई ब्रेड पड़ी हो, अगर आप थोड़े दिन बाद देखोगे इस पर एक फंगस आ जाएगी जो काले रंग की होगी, वो इसी फंगस की तरह की काली फफूंद है। ये लोगों के, हेल्दी व्यक्तियों के नाक में, गले में होती है मगर कोई नुकसान नहीं करती। मगर जब यही पोस्ट कोविड के पेशेंट में, उनके शरीर में आती है तो शरीर में ये ग्रो करने लग पड़ती है, बढ़ने लग पड़ती है, वहाँ पैदा होने लग पड़ती है, जो कि आम स्थिति में होता नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि पोस्ट कोविड मरीज में ऐसा है क्या कि उनमें ये फफूंद उगने लग पड़ती है? उसका देखो प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण एक है कि उनकी रोग प्रतिरोधी शक्ति बेहतर नहीं होती, बहुत कम होती है उन पर, इसलिए ये फफूंद इनके शरीर पर जाकर पैदा होने लग पड़ती है, वहाँ बढ़ने लग पड़ती है। खासकर जो रेनो सेरेब्रल नाम की म्यूकोमाइकोसिस है, वो इनके शरीर में जब नाक से हम इन्हेल कर लेते हैं तो ये नाक में ग्रो होने लग पड़ती है। इससे ये क्या करती है, ये आपके शुरुआती लक्षण है, अगर आप इसको पहचान जाओ तो आप अपने आप को इसमें फंसने से बचा लोगे। क्योंकि एक स्टडी कहती है अगर शुरुआत में बंदे म्यूकोमाइकोसिस के हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो वो अपने आप को बीमारी होने से बचा सकते हैं। तो ये लक्षण ध्यान से सुनो आप, अगर आपके फेस में कोई स्वेलिंग हो रही है या आपकी एक आंख गिर रही है, जिसे मेडिकल टर्म में टोसिस कहते हैं, और आंख में सोजस आ रही है, नाक में कालक आ जाए या चेहरे पर कालक आ जाए, मुंह के अंदर काले निशान पड़ जाएं, आपको इसके साथ म्यूकस और म्यूकस फीवर और नाक भरा भरा लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप अगर पोस्ट कोविड के पेशेंट हो आप भाग कर डॉक्टर के पास जाओ। घर पर कोई घरेलू नुस्खे मत अपनाओ क्योंकि ये बीमारी बहुत घातक हो रही है। जो रेनो सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस है खासकर, ये पेशेंट को इतना ना दुर्गति कर देती है कि डॉक्टर के को इन पेशेंट को बचाने के लिए आंखें निकाल निकाल कर फेंकनी पड़ रही है और लोगों की आंखों की रोशनी जा भी रही है। क्योंकि फफूंद, अगर काली फफूंद आंख में आ जाए तो आंख को वो काला कर देगी, जिससे कि आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब हमने एक तरह की आपको रेनो सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस समझा दी, अब उसके बाद दूसरी है पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस। पल्मोनरी अपने आप में समझाती है, पल्मोनरी होता है लंग्स, लंग्स में अगर आपको फीवर है, कफ है और चेस्ट पेन है तो ये पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस का है। ये आ रहा है मगर बहुत कम पेशेंट में आ रहा है कंपेयर टू रेनो सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस। अब तीसरा जो है वो है कुटेनियस म्यूकोमाइकोसिस। कुटेनियस म्यूकोमाइकोसिस में क्या होता है, स्किन में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं, चमड़ी गर्म होगी, रेड होगी, और
चमड़ी सेंसिटिव हो गई टच में, यानी कि इन्फ्लामेशन के सभी साइन एंड सिम्टम हो गए। अब अगली जो चौथी हम म्यूकोमाइकोसिस समझा रहे हैं वो गैस्ट्रो इसोफेजियल म्यूकोमाइकोसिस है। ये पेट को ख़राब करती है, अबडोमिनल पेन पेन करती है, पेट अपसेट कर देती है, पचने में दिक्कत करती है, डायरिया कर देती है। जो लास्ट म्यूकोमाइकोसिस मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ वो डिसेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस है। डिसेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस उन पेशेंट में हो रही है जो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में वो दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, बीच में फंगस उनके ऊपर आकर हावी हो जाती है जिससे कि ब्लड में ये पहुँच जाती है और ये बॉडी के हर अंग में पहुँच जाती है। ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का प्रमुख कारण है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो रही है। तो अभी क्या है, दिक्कत वाली बात क्या आई है, जब हम पोस्ट कोविड पेशेंट में स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं, स्टीरॉयड आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति को दबा देते हैं, वो आपके लंग का सोजस तो ठीक कर रहे हैं मगर लंग्स में जो बीमारियों के प्रति लड़ने की संवेदनशीलता वो कम कर रहे हैं। है ये ज़्यादा किन मरीजों में आ रही है, ये ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीजों में आ रही हैं या उन मरीजों में आ रही है जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज ले रहे हैं, जैसे कि HLA-B27 वाले बायोलॉजिकल मेडिसिन से ले रहे हैं, या सोरेसिस वाले पेशेंट है जो बायोलॉजिकल मेडिसिन ले रहे हैं। अगर वो इस वक्त बायोलॉजिक्स मेडिसिन लें तो उनको म्यूकोमाइकोसिस का भी खतरा ज़्यादा है, कोविड का भी खतरा ज़्यादा है। अब इसमें डॉक्टर अब इन मरीजों की डायग्नोसिस करेगा, सबसे पहले तो वो नाक से स्वैब लेगा, स्वैब को चेक कराने भेजेगा, उसको कल्चर कराएगा। पहली बात तो अगर ये सीवियर केस हो, नाक में स्वैब डालते सर सारा ब्लैक कलर का म्यूकोस आ जाता है, वो पहले सजेस्ट कर देता है कि हाँ ये पेशेंट म्यूकोमाइकोसिस, खासकर रेनो सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस का पेशेंट है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो ब्लड टेस्ट कराएगा, उसमें देखेगा इन्फेक्शन कितना बड़ा हुआ है। उसके बाद उसने क्या कराना है, CT और MRI करानी है। CT उसने MRI जब कराएगा तो उसको ये पता लगेगा इसकी सीवियरिटी क्या है। अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन में कहें, एंटीफंगल मेडिसिन बहुत कम है, जो एंटीफंगल मेडिसिन हैं वो कम से कम 40-50 साल पहले बनी थी। हमने एक वीडियो डाली थी फंगस की, टीनिया की, मैं वहाँ यहाँ आई का लिंक डालूंगा, उस वीडियो को भी आप जाकर देखना, आपको कुछ चीज़ें और समझ आएंगी जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अभी क्या है, जितनी दवाइयाँ फंगस की हैं, एंटी फंगल मेडिसिन, वो फेल हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर तंग आ चुके हैं। जब फंगस आता है वो सिंपल फंगस से तंग आ जाते हैं, हमने वो फंगस का इलाज किया है, वो फंगस के पेशेंट, टीनिया के पेशेंट, टीनिया कैपिटिस के, फेशियलिस के, टीनिया पैडिस के, टीनिया प्राइवेट पार्ट को में होता है, उनके भी हमने वो पेशेंट देखे। देखो सबसे पहले तो होम्योपैथ को यहाँ डरने की जरूरत नहीं, होम्योपैथी ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। ये होता किसको है, जिसकी इम्यूनिटी सप्रेसिव है या दब गई है, तो होम्योपैथी इजीली से इवॉल्व कर सकती है। हम अगर इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम लें तो हमें उसके बेस पर दवा देनी चाहिए। अगर हम आपकी इम्यूनिटी रिकवर कर सके तो हम म्यूकोमाइकोसिस इजीली रिकवर कर लेंगे। फंगस हम होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिकवर करते हैं। मैंने अपने चैनल में बहुत पेशेंट की वीडियो भी डाली है जिनको फंगस हुआ है और हमने ठीक किया। फंगस को ठीक करना इतना मुश्किल बात नहीं, मेन चीज़ है अप्रोच सही होनी चाहिए। आप कोई भी दवा के पीछे मत भागो, जैसे कि R82 नामक दवा एक मोहतरमा में पीछे बताई है अपनी वीडियो में, ऐसे ही पीछे किसी ने स्पीडोस्पर्मा बता दी थी, सभी लोग स्पीडोस्पर्मा लेकर खा रहे हैं, लोड है नहीं है। आज की डेट में मार्केट में स्पीडोस्पर्मा खत्म होगी, इसका नुकसान क्या है, जिन व्यक्तियों को स्पीडोस्पर्मा की जरूरत है, जो अस्थमे के मरीज हैं उनको मिल ही नहीं रही। अब ऐसे ही R82 अब किसी मोहतरमा ने ऑनलाइन बता दी तो सभी खरीदने लग पड़ेंगे। अगर आपने दवा लेनी है तो इंडिविजुअलिस्टिक लो। इंडिविजुअलिस्टिक दवाओं में थ्यूजा नामक दवा है, अगर आप मेडिकल स्टडीज़ या जनरल में जाकर ऑनलाइन पढ़ो, थ्यूजा का एंटी फंगल रोल बहुत अच्छा है। बहुत केस स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि ये निकल कर आया है कि थ्यूजा जो है बेस्ट ऑफ द एंटी फंगल मेडिसिन है। ये खासकर उन मरीजों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको कोविड में स्टीरॉयड मिले हो, स्टीरॉयड लेने के कारण उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होने लग पड़ा, उनको मोटापा होने लग पड़ा, उनके शरीर में मस्से होने लग पड़े और उनका शरीर थुलथुला हो गया, तो उन पेशेंट को थ्यूजा लेनी चाहिए। ऐसे ही
बैसिलिनम नाम की दवा है। बैसिलिनम उन पेशेंट की दवा है जिनमें कि फंगस ग्रो कर रहा है, वो अपना बॉडी पर आपका स्किन पर भी, अपना थ्रोट में भी, नाक में भी असर कर रहा है। जो पहले हमने कुछ दवाइयाँ बताई हैं जैसे कि आर्सेनिक एल्बम हो गया, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है और आपको रिकवर करती हैं। ये कुछ मेडिसिन मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, मैं नहीं कहता इनमें से तीनों दवाइयाँ लेकर आप मार्केट से ख़त्म कर दो जैसे कि आप पहले कर रहे हो, ऐसे काम आप मत करो। अगर आपने कभी भी दवा लेनी है म्यूकोमाइकोसिस की, आप किसी होम्योपैथ के पास जाओ, वो हेड टू टो आपके सिम्टम लेगा, सिम्टम पर वो फिर प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, वो आपके लिए सबसे बेटर होगा। आधा ज्ञान खतरनाक होता है, एक एक किसी दवा के पीछे मत लगो। अगर एक दवा सभी लोगों को ठीक कर रही होती जैसे कि R82 सभी को ठीक कर रही होती तो गवर्नमेंट ने खुद कह देना था कि R82 लो। जो गलती हमने ने अपना स्पीडोस्पर्मा खरीदते हुए की है, पूरे देश से हमने ये दवा ख़त्म कर दी, वही गलती हमने R82 के साथ नहीं करनी। तो आज का मेरा संदेश यहाँ पर ख़त्म होता है। आने वाले टाइम पर जो स्थितियाँ चल रही हैं उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, हम उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे।